आज मैं बनाऊंगी चावल का नाश्ता। तो आप देखिएगा, मेरे पास थोड़ा सा चावल बच गया तो मैंने सोचा कुछ उसको बना लेते हैं और शाम को नाश्ता भी हो जाएगा। तो मेरे पास क्या क्या है, ये है बीन्स, ये है मटर, ये है प्याज और मिर्चा, ये शिमला मिर्च, ये है पत्ता गोभी, ये है टमाटर और ये है धनिया। और इसमें डाला है जीरा, इसमें गया प्याज, जीरा रेड हो चुका था, प्याज को जल्दी रेड होने के लिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। गाइस, प्याज रेड हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, मटर और बीन्स। इनको पहले हम थोड़ा सा क्रस कर लेते हैं, इनको थोड़ा भून लेंगे। गाइस, ये भून चुका है थोड़ा, अब इसमें डालेंगे हम पत्ता गोभी, क्योंकि नरम होता है, इसको हल्का करना होता है, इसलिए इसमें इसे थोड़ा बाद में डालते हैं। अब जाएगा टमाटर, इसे भी हम हल्का भून लेंगे। इसे 2 मिनट ढक देंगे। अब इसमें हम डालेंगे, मेरे पास पैकेट वाला सैजवान चटनी था, आप कोई भी ले सकते हो। हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, ख़त्म हो जाता है, सब खाते हैं इसलिए, तो हम लोग पैकेट वाला ही यूज़ करते हैं क्योंकि डिब्बे का यहाँ चलता ही नहीं है। अब इसमें जाएगा सर थोड़ा केचप था मेरे पास, सॉस, बस इसे मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा धनिया पाउडर, इसमें जाएगा थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा देगी मिर्च ज़्यादा, फिर जाएगा इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला, इसको हम चला लेंगे, चला के थोड़ी देर 5 मिनट भूलेंगे अच्छे से। गाइस, आपके पास जो है इसमें आप डाल के बना सकते हो फटाफट। आज मैंने इसमें चावल भी डाल दिया है, गाइस इसे मिक्स कर लेंगे, ये बची हुई चावल थी, अभी मैं अपनी तैयार हो चुका है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाल के गार्निश भी कर दिया, अब पूरा धनिया वगैरह डाल दिया है। अब मैं इसे आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि कितना टेस्टी और कितना अच्छा लगता है। गाइस, ये खाने के लिए रेडी है, आप देख रहे हो ना कितना अच्छा लग रहा है, कितना फ्लफी लग रहा है, काफ़ी टेस्टी लगता है। जब कुछ ना रहे घर में तो आप इसे बना के खा सकते हो और इसका आनंद ले सकते हो, सुबह के चाय में भी, शाम को भी। प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।